So that Sonu and Sweetie can do this, baby. हमें नहीं आने दोगे सोनू तुम? कड़क कड़क, अरे ऐसा कोई कड़क नहीं जो इश्क में पिघला नहीं। गुड मॉर्निंग आशीष के साथ 104.8 इश्क एफएम पे लाइव एंड एक्सक्लूसिव चरणों में समर्पित होते हो और हमारे साथ विख्यात सिंह जी, ये सीनियर डायरेक्टर डेल टेक्नोलॉजी से हैं और ये इसलिए हमारे साथ क्योंकि देखिए इतने टाइम से हम आपको बता रहे हैं कि लिटरेसी इंडिया इतने सालों से बहुत ही बेहतरीन बेमिसाल काम कर रही है इस देश का नहीं इस दुनिया का भविष्य संवारने में। ऐसे में विख्यात सिंह जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं डेल टेक्नोलॉजी से, इनको लिटरेसी इंडिया के साथ जुड़ के कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, जानने के लिए हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग सर। मैं कैप्टन इंद्राणी सिंह और लिटरेसी इंडिया की पूरी टीम को 25 साल की वर्षगांठ पर डेल की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये बहुत ही बढ़िया सफर रहा है हमारा डेल और लिटरेसी इंडिया का, और जो काम लिटरेसी इंडिया ने किया है का प्रभाव करीबन 7 लाख लोगों पे पड़ा है, और आज की तारीख में अगर हम देखें तो हम लोग डेल में इस काम को देख के बहुत ही प्रेरित है। जो जर्नी रही है लिटरेसी इंडिया और डेल की, वो शुरुआत हमने की 2007 में, एंड एज अ टेक्नोलॉजी कंपनी हमारा जो फोकस रहा है इट हैज बीन ऑन डिजिटल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, यूथ एंड वुमेन। तो हमारा जो अगर आप देखें पहला इनिशिएटिव था जो हम लोग ने साथ मिलकर किया वो था ज्ञान तंत्र डिजिटल दोस्त। एक हमने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, बहुत ही इंटरैक्टिव यूजर फ्रेंडली एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है ये, और हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि जो लर्निंग प्रोसेस है बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहे, इफेक्टिव रहे। तो ये हम लोग ने प्राइमरी स्कूल्स के लिए मैनेज किया जो लिटरेसी इंडिया मैनेज भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, और डेल का जो सपोर्ट रहा है इस प्रोग्राम को करीबन 15 साल हो गए। और हमने जब लिटरेसी इंडिया से जब हम बात करते हैं और रिव्यू करते हैं कि हमारा प्रोग्रेस कैसा है, तो हमें पता चला है कि करीबन 2 लाख लाइव्स 15 प्रदेशों में हम लोग इम्पैक्ट कर चुके हैं। अगर देखें तो इस पूरी जर्नी में इट हैज रेवोल्यूशनराइज्ड एंड एक्सेलरेटेड द डिलीवरी ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक नींव, एक फाउंडेशन हम लोग प्रयास कर रहे हैं क्रिएट करने का। चिल्ड्रन लव इट। ज्ञान तंत्र डिजिटल दोस्त को बहुत अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि वो किस हिसाब से इस शिक्षा को, इस ज्ञान को प्राप्त भी कर रहे हैं और अप्लाई भी कर रहे हैं, एंड फॉर अस दैट मीन्स द वर्ल्ड टू अस। तो हमारा एक कमिटमेंट ये भी है कि हम इम्प्लॉयबिलिटी कैसे क्रिएट करें यूथ के लिए। तो हम लोग ने एक फ्यूचर स्किल्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इट कवर्स क्रिटिकल स्किल्स जैसे कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वेब डेवलपमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, इन सब पे हम लोग का फोकस है। एंड वी सर्टेनली वांट टू इक्विप द यूथ विद 21st century स्किल्स। हम अपने आप को डोनर की तरह नहीं देख, हम अपने आप को एक पार्टनर की तरह देख। सो यस, इट्स बीन अ पर्पसफुल जर्नी एंड अ फैबुलस एक्सपीरियंस टू से द लीस्ट। वी फील दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर पार्टनरशिप इज वॉलंटियरिंग। तो हर साल डेल टीम मेंबर्स वॉलंटियर करते हैं और एक क्वालिटी टाइम लिटरेसी इंडिया टीम के साथ स्पेंड करते हैं। इस पैंडमिक के पीरियड में हमारे वॉलंटियर्स ने सहायता करने की पूरी कोशिश की है, और उसमें हमने लिटरेसी इंडिया के साथ खाना अरेंज किया है, फूड अरेंज किया है, ग्रोसरीज अरेंज किए हैं, डेली नीड्स अरेंज किए हैं, मेडिसिन अरेंज किए हैं। और एक चीज जिससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है वो ये है कि जब हम लोग डेल में बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि क्या कर सकते हैं और हम लोग इस वक्त पर, तो हम सबने कहा कि भाई जो बच्चे हैं अगर उनके पास डिजिटल डिवाइस नहीं है तो एजुकेशन वर्चुअली उनके लिए मुश्किल है। तो कैन वी प्रोवाइड डिजिटल डिवाइसेज सो दैट एटलीस्ट द लर्निंग process or the education continues for them. So वो भी हम लोग ने साथ मिलके किया। बहुत ही satisfying journey है, and personally if you ask me this partnership will get stronger with each passing day, and I do want to thank Literacy India team for all that they do. क्या बात है सर। और ये जो आपने बात बोली ना, ये जो एक तो 21st century वाली जो चीजें जो सिखा रहे हैं, उनको नॉलेज जो दे रहे हैं, ये बहुत बढ़िया लगा। और उसके साथ ही साथ आपने जो एक बात बोली ना कि हमें लगा कि नहीं यार इनके पास ये इक्विपमेंट्स नहीं है, इनको ये बच्चों को ये प्रोवाइड कराते हैं, ये जो जरूरत समझना, यानी कि वो एक ऐसी चीज है जैसे आप अपने खुद के बच्चे के लिए सोचते हैं ना कि यार आजकल लैपटॉप्स ये चल रहे हैं या फिर ये टैबलेट्स चल रहे हैं, ये ला के दे देते हैं, ये एक नई चीज है जो आ रखी है, ये टेक्नोलॉजी के साथ बिल्कुल मतलब हाथ में हाथ दे के चलने वाली बात, ये बहुत ही अच्छा लगा। और एक और जो अच्छी बात लगी जो आपकी बातों से पता चल रहा है, वाकई में इट्स अ पार्टनरशिप, और ये जो आपका प्रयास है इस दुनिया का भविष्य संवारने का, ये प्रयास जो है बिल्कुल सफल रहेगा, और आई एम श्योर वो बच्चे बहुत ही खुश हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं literacyindia.org। गुड मॉर्निंग आशीष के साथ हैं आप, डू द इश्क बेबी। एड ब्रेक है या एक्स का दिल इतना